एक छोटा सा शेर कहा है कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पार कर गई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक पुरानी नज़्म मैं वो सुना देता हूँ आप सबको, काफी सारे नए लोग हैं, पुराने लोग मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई ने गाना गाया था थोड़ी देर पहले, उसी से रिलेटेड है। लड़की सबको छोड़ के भागी लाइफ में, हमको भी छोड़ के भागी थी तो नहीं, मेरी चल के गई थी, सॉरी। तो कहा ये खत है, थोड़ा समझिएगा जरा, उस वक्त ज्यादा शायरी आती थी, अब नहीं आती। लिखा है कि ये खत है उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था। ये नाम है, आगे है कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों जो तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना, दरअसल से ऐसे ही पसंद है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। उसकी आजादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। जानते हो वो अगर हजार बार जुल्फ ना संभाले तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। खुदा के वास्ते उसे कभी रोक न देना, उसकी आजादी से उसे कभी रोक न देना। अब मैं नहीं तुम उसके दिलदार को सुनो, उसे अच्छा नहीं। क्या बात, बहुत शुक्रिया।